Hi friends, today we will start Maths 1, 9th standard, Algebra. First chapter is Sets. We know in our everyday life, we often talks about the collection of objects, just like as a team of players, group of students, collection of flowers, pack of cards. हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हम ऐसे बहुत से कलेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, खिलाड़ियों का ग्रुप, फूलों का कलेक्शन, जैसे कि पत्ते के कैट रहते हैं उसका पैक ऑफ कार्ड बोलते हैं. दिस ऑल कलेक्शंस दैट इज व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस कलेक्शंस व्हेन एवर वी कैन डिफाइन the specific elements of that collection. जब हम इस collection के जो elements है, इस collection में आने वाले जो घटक है उसके बारे में हम perfectly बोलेंगे तो उसे set कहा जाता है. Example के तौर में हम देखेंगे कुछ collections. First one, the collection of even natural numbers less than 12. अब यहाँ आप collection है even natural number का जो 12 से कम है, 12 से छोटे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10. These are the even natural number less than 12. It is the collection of even natural numbers. तो ये हम each element को perfectly जान सकते हैं. दूसरा दिया हुआ है मैंने यहाँ एक collection लिया है. The collection of vowels in the English alphabet. English alphabet में 26 अक्षर आते हैं हमारे A, B, C, D, Z तक. इसमें alphabets में vowels पूछा है. That is A, E, I, O, U. These are the vowels. तो यहां भी हम हर एलिमेंट को परफेक्टली समझ सकते हैं. नाउ द अनदर कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ हैप्पी पीपल इन योर कॉलोनी. अब यहां देखोगे आप द कलेक्शन ऑफ हैप्पी पीपल इन योर कॉलोनी. अब यह हैप्पी पीपल जो है, ये हैप्पी पीपल के बारे में हम सोचते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है. अब ये जो रिगार्ड है हैप्पी, तो ये हैप्पी पीपल कैसे आएगा? बिकॉज इस हैप्पी के बारे में अगर आप सोचेंगे, इट इज अकॉर्डिंग टू द वन पर्सन और द पर्सन, जो भी सामने वाला रिलेटिव पर्सन है, रिलेटिव नॉट रिलेशन मेकर नहीं है. दिस टर्म हैप्पी इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्सन. हर आदमी के हिसाब से हैप्पी की डेफिनेशन बदल सकती है. कोई कहेगा जिसके पास गाड़ी बंगला है वो हैप्पी, कोई कहेगा मुझे कुछ चिंता नहीं, गाड़ी बंगला ना भी हो तो मुझे कोई टेंशन, वो हैप्पी है. तो हैप्पी की ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. तो इसके एलिमेंट के बारे में हर एक ने जो भी निकाले हुए ग्रुप कलेक्शन निकाला होगा, तो वो उसके उसके डेफिनेशन के उसके उसके हिसाब से, उसकी जो हैप्पी की डेफिनेशन है उस हिसाब से उसने कलेक्शन निकाला होगा. सेम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन आवर स्कूल. अपने स्कूल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड के. अब यहाँ इंटेलिजेंट की डेफिनेशन भी बदल सकती है हर स्टूडेंट के हिसाब से. कोई जिसका ड्राइंग अच्छा है उसको इंटेलिजेंट बोलेगा, कोई जिसका मैथ्स अच्छा है उसको भी इंटेलिजेंट बोल सकता है, कोई बोलेगा जिसका मराठी अच्छा है उसे भी इंटेलिजेंट बोल सकता है. तो इट इज ऑल्सो डिफरेंट, डिफर बाय द ईच स्टूडेंट. इन शॉर्ट, अ पर्सन मे बी ब्रिलियंट और हैप्पी अकॉर्डिंग टू वन पर्सन, बट ही मे नॉट अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन. जो हैप्पी एक पर्सन जिसे हैप्पी कहता है, उसे दूसरा पर्सन अनहैप्पी नहीं बोल सकता, परफेक्टली नहीं कर सकते. तो ये स्पेसिफिकली हम कहेंगे हैप्पी पीपल इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ये कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन सेट में नहीं गाने जाती, क्योंकि इसके डेफिनेट एलिमेंट हम नहीं बता सकते. इसीलिए सेट की अगर हम डेफिनेशन करते जाएंगे, तो सेट की हमारी डेफिनेशन आती है, सेट की स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर हम बनाने जाएंगे तो सेट की डेफिनेशन आएंगी, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. वेल डिफाइंड, तो जिसके हम एलिमेंट स्पेसिफिकली, जिसके एलिमेंट हम कंफर्मली बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेट. तो सेट, ऑलवेज रिमेंबर दैट सेट, दैट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट.
सेट इज डिनोटेड बाय ए बी सी इन शॉर्ट कैपिटल लेटर्स। सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसके बाद सेट में जो एलिमेंट आते हैं एलिमेंट के बारे में हम देखेंगे। एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट के बारे में हम अगर सोचेंगे तो एवरी मेंबर ऑफ सेट एवरी मेंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट एवरी मेंबर ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स तो जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट स्मॉल लेटर से दिखाए जाते हैं सेट के। अब ये सेट के एलिमेंट स्मॉल लेटर से दिखाने के बाद दूसरा कंडीशन है, सपोज हमने लिखा ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर हमें ऐसा लिखना है तो इट कैन रिटन इन सिंबॉलिकली ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ये सिंबॉलिकली लिखा जाता है। इट मीन्स ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ये सिंबॉल जो है ए इज एलिमेंट ऑफ ए। और ये इसे ऐसा भी कहा जाता है ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे भी लिखा जाता है और बोला जाता है ए बिलोंग्स टू द सेट ए और ए इज एलिमेंट ऑफ ए। इट इज रिटन लाइक दिस। Now, it is basic method. Simply, well-defined collection of objects is known as set. Set is denoted by capital letters. Every member of set is called as element, which is denoted by small letters. If it is element of A, it can written in symbol like this: A belongs to A, or A is element of A. In any two element, they separated. The two elements or the elements are separated by commas. हम जब लिखते हैं सेट लिखते समय रिमेंबर दैट सेट ऑलवेज आगे लिखने वाले देखने वाले हम ऑलवेज सेट इज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो एलिमेंट सेपरेट दिखाने के लिए वो कॉमा से दिखाए जाते हैं। कॉमा दिखा जाए दो एलिमेंट के बीच में कॉमा दिया जाएगा। दीज आर द पार्ट, लेट अस सी आफ्टरवर्स। इतना तो हो गया। नाउ मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, methods of writing set. There are two methods of writing set. First one is listing method or roster or listing method, roster or listing method. Roster or listing method में बोला जाता है, in this method the set is described by listing. इस method में जो भी सेट के एलिमेंट है वो पूरे लिखे जाते हैं। डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स इन द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट जैसे दिस लाइक, इस कर्ली ब्रैकेट में सब एलिमेंट्स हम लिखते हैं। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। each element is written only once
द ऑर्डर इज, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड is not important, is not important. तो रोस्टर या लिस्टिंग मेथड में लिखते समय हम उस सेट के पूरे एलिमेंट की लिस्ट बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, हर एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, ईच एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस. इन शॉर्ट, अगर वो दोबारा आता होगा, दो बार आता होगा तो दो बार लिखा नहीं जाता, एक ही बार लिखना है. दूसरी बार डबल आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं. द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन और लिस्टेड नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है. कैसे, जैसे कि हमें द डेज ऑफ वीक लिखना है तो ऐसा नहीं है कि संडे मंडे कंटिन्यू लिखना है. आप पहले वेनस लिख सकते हो, बाद में थर्सडे लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन, इफ अ सेट कंटेन्स मेनी, अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट है, इफ अ सेट कंटेन्स मेनी बट फाइनाइट मेंबर्स, अगर एक सेट में मेंबर ज्यादा है मगर एक मर्यादा है, एंड है उसको कुछ ना कुछ, देन राइट द फर्स्ट फ्यू, देन राइट फर्स्ट फ्यू मेंबर्स, फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ सेट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड बाय अ कॉमा, फ्यू डॉट्स, अगेन बाय अ कॉमा, अगेन बाय कॉमा, एंड लास्टली एलिमेंट, एंड द लास्ट एलिमेंट. सपोज मैंने बोला 1 to 100 तक के ऑल एलिमेंट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखो, डॉट डॉट करो और लास्ट वाला लिखो, सच लाइक दिस यू कैन राइट दिस. और लास्ट वन है, इफ अ सेट कंटेन्स इफ अ सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. इन शॉर्ट, कितनी भी आप लंबी लिस्ट करो उसकी लिस्ट खत्म होने वाला नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स है, दैट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कितने भी लिखोगे तो आप खत्म नहीं होने वाले, नंबर बढ़ते वाले. देन वी राइट फ्यू एलिमेंट्स curly in curly bracket or clearly indicates the structure of the set and give dots followed by comma or few dots followed by comma, such like as the set of natural numbers 1 2 3 4 5 6 so on. This is the infinite set. ये एक method हो गई. और second method है set builder form और रूल मेथड कहा जाता है इसे, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड ये सेकंड मेथड है. अब यहां ये था, इस मेथड में हम क्या करते, देखो, इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी
बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस the elements of the set uniquely. जैसे मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 अगर ऐसे मैंने बोला तो ये लिखते समय हम बोलेंगे और अगर हमने लिस्टिंग मेथड में लिखा तो वो ऐसा आएगा ए सेट है प्राइम नंबर का तो हमारे वो आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 ये लिस्टिंग मेथड में आता है। इसे ही हमें अगर रूल मेथड में लिखना है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स बार एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 25 तो ये हो गया रूल मेथड से लिखना। ये दो मेथड अभी अपने जुड़ रहे लेट अस रिवाइज दिस फर्स्ट देन टुमारो वी विल अगेन डिस्कस अबाउट दिस।